ये दिखा देना। नमस्कार सिटी बिग न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोनी। हालांकि अगर आज की बात की जाए तो आज के दिन कहीं ना कहीं जो है मॉनसून जाने की तैयारी जो है हिसार वासियों ने कर ली थी, लेकिन अब आपको बता देते कि हिसार के अंदर आज जो है हो सकता है कि मॉनसून की आखिरी बारिश हो या फिर कल भी बारिश होने के आसार जताए गए हैं। लेकिन अब की बात कर ली जाए तो अब हिसार के अंदर झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। एक बार तस्वीरों के अंदर दिखाना चाहेंगे, ये तस्वीरों के अंदर आप लोग देख पा रहे हैं कि हिसार शहर के अंदर झमाझम बारिश शुरू हो चुकी है। हालांकि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दी थी और मौसम विभाग ने कहा था कि हिसार के कई जिलों के अंदर जो है बारिश होने की संभावना है। अगले 3 घंटों में अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, यमुना नगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जींद और फतेहाबाद के अंदर बारिश होने की संभावना जताई गई थी, लेकिन हिसार शहर के अंदर बारिश होने की संभावना नहीं जताई गई थी। हालांकि कहा गया था मॉनसून जो है 1 अक्टूबर से लेकर के 5 अक्टूबर तक आखिरी दौर के अंदर रहेगा हरियाणा के अंदर, लेकिन हरियाणा के पूर्वानुमान के अंदर हिसार का जिक्र कहीं नहीं किया गया था। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज जो है झमाझम बारिश हिसार के अंदर शुरू हो चुकी है, लेकिन हो सकता है कि हिसार के अंदर बारिश होने के बाद जो है अब कहीं ना कहीं कुछ ही समय के अंदर बारिश तेज हो जाए और उसके बाद हिसार शहर दोबारा से पानी के अंदर ना डूब जाए, जिस तरीके से कम 1 हफ्ते पहले देखा गया था। पिछले अगर मंगलवार की बात की जाए तो पिछले मंगलवार और सोमवार को भी कुछ इसी तरीके से बरसात हुई थी। हालांकि अनुमान जो है कम लगाया जा रहा था कि बारिश कम होगी, लेकिन अचानक से बारिश के बढ़ने के बावजूद हिसार शहर जो है पूरा का पूरा पानी में डूब गया था। लेकिन उसके बाद जो है कहीं ना कहीं सड़कें जलमग्न हो गई थी, निकलना मुश्किल हो गया था, बाहर निकलना दुर्भर हो गया था। आपको क्या लगता है कि बारिश कितनी तेज होने वाली है?